आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे ताई, राम 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 पौना राम 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 राम। ये इधर जो फिल्म उतर रही है ना स्टैनली का डब्बा, उसका सबसे हैंडसम, सबसे स्मार्ट और सबसे ढासू डब्बे वाला कौन है? मैं है। ओ खाली मैं नहीं आया हूँ, अरे अमोल भाव दिव्या ताई याकी, ए ताया वालों रे। खूप खूप स्वागत आहे आमच्या शो मध्ये। ए परत एकदा टाळ्या वाजव रे पोरांनो। इन लोगों ने फिल्म बनाई है स्टैनली का डब्बा और उसका हीरो हूं मैं। पर सर थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर करिए आप। मैडम जी, ये जो स्वप्निल का डब्बा नहीं है, है? हाँ, वही तो। ये स्टैनली का डब्बा। अरे अमोल भाव, जो आपका डब्बा वो हमारा डब्बा, वो पूरे देश का डब्बा क्या? ये मेरी इच्छा है कि ये पूरे देश का डब्बा बने, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बच्चों का एक महकता डब्बा है, स्टैनली का डब्बा। वाह वाह, यूनिवर्सल है, फैमिली के लिए है। बेशक इस समर आइए और स्टैनली का डब्बा खाइए। क्यों रोजी टीचर? मेरे ख्याल से जो हमें बचपन के स्वाद आते थे, मम्मी के हाथ का बना हुआ डब्बा, उस ये फिल्म सबको अपने बचपन में ले जाएगी। सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, बहुत खूबसूरत, बहुत दिल से बनी है। एंड द बच्चाज आर लवली एंड द डब्बाज आर वेरी डिलिशियस। अमोल भाव, आपकी पिक्चर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टैनली का डब्बा सुपर हिट है अमोल भाव। दिव्या दाई नमस्कार, 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 नमस्कार। इस कवि सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर हॉस्पिटल खोलने का सोच रहे हैं और वो देखना है कि हॉस्पिटल हम खोलेंगे आँखों का या दांतों का। इसीलिए हमने यहाँ पे बुलाया है दो ऐसे मशहूर शायरों को, जिनमें से एक करेगा आँखों की रहनुमाई और दूसरा करेगा दांतों की रहनुमाई। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बहुत ही मशहूर शायर श्री नजर बंद खां साहब जी का। जोरदार तालियां। नजरबंद खन्ने खान आ चुके हैं। माफी चाहता हूँ, उम्र की वजह से थोड़ा सा स्लो हूँ। अर्ज किया है कि नजर ने नजर को आंख मारी, नजर ने नजर को आंख मारी, साली ने उतार जूती सीधे आंख पे दे मारी। इसीलिए दुनिया को एक नजर से देखता हूँ, लेकिन जो लड़की सैंडल निकाले उस पे लानत फेंकता हूँ। हाँ साहब, हाँ साहब, आए आए प्लीज तशरीफ। तो खैर ख्वातीनो हजरात, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी बहुत ही मशहूर कवि श्री दो दंत खान साहब जी का। जोरदार तालियां। मंदिर बने या मस्जिद बने, मंदिर बने या मस्जिद बने, जमाना आपस में क्यों लड़ता है? जो भी बने जल्दी बने, नहीं तो घूम के आना पड़ता है। अरे वाह वाह वाह, क्या क्या शेर मारे। शेर नहीं मारा ये, मैंने प्रॉब्लम बता रहा हूँ, पिछली सारी गली की खुदाई की हुई है। कहां से घूम के आ रहा हूं बताए? ठीक कहा है किसी ने, बॉम्बे की खुदाई और बॉम्बे की भेलपुरी हर जगह मिल जाती है। खान साहब आप कुछ पेश कीजिए। ये अर्ज किया है, नाम है काजी, नाम है मोमिन। नाम है काजी, नाम है मोमिन, नाम है जेकब, नाम है काशिफ, नाम है जर्रा, नाम है तूफान। तो साले तू है कौन, तेरे को घुसने किसने दिया अंदर? शायर हो, बड़े बुजुर्गों का इज्जत भी नहीं आता तुम्हें? अरे देखो तो सही, कितने मुअज्जज मेहमान सामने बैठे हैं। तो इतने मुअज्जज मेहमान बुलाए क्यों हैं? और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब इतने सबको बुला लिए तो मेरे शेखों को क्यों नहीं बुलाया? उनके लिए चंद लाइनें अर्ज की हैं, पेश जरूर करूंगा। कि तुम होते तो ये होता, तुम होते तो ये होता, तुम होते तो वो होता, तुम ये कहते, तुम वो कहते, तुम वो कहते, तुम ये कहते, शुक्र है तुम हो ही नहीं। हाँ जी आप बताएं। मैं क्या सुनाऊं? देखो मोहतरमा, तुम्हें कह देता हूँ मैं, कम
तक कभी शेर नहीं पढ़ा तूने बुड्ढे? क्यों लोगों को बोर कर रहा है? खामा का ऑडियंस, ऑडियंस का तड़कता भड़कता शेर चाहिए। ऑडियंस के लिए चार लाइनें अर्थ की हैं। वाह। राहत इंदौरी साहब ने बड़ी खूबसूरत चार लाइनें लिखी हैं। मेरे को पसंद नहीं आई, मैंने फाड़ के दोबारा लिखी। घटिया बातों पे क्या घटिया हरकत पे बुड्ढे? मैंने तेरी कौन सा ब्लाउज का बटन तोड़ दिया है? किसने इसे शायर बनाया? इसे तो पता ही नहीं कि मर्द जो है वो ब्लाउज नहीं पहनते। फिर मैं तुम्हें बता दूं कि शेर में वजन पैदा करो। क्या वजन पैदा करूं मैं बुड्ढे? मारूंगी चप्पल मैं क्या? शेर को बनाना शेख मिला के लिए मदन करो। कैसे वजन पेश करते हैं? हम बताते हैं कि वजन वाला शेर कैसा होता है। क्या बात है? अर्ज किया है कि कल रात न जाने बादलों में क्या साजिश हुई। कल रात न जाने बादलों में क्या साजिश हुई। कोई साजिश आशिश नहीं हुई थी, ये तो अफवाह ही था। फिर दूसरा वजनदार शेर सुनाता हूँ। खुद तेरा इतना वजन बढ़ गया, कपाल बाती किया कर बुड्ढे कहेंगे। शेर सुनाने अर्ज किया है, किसी की क्या मजाल जो मुझे तेरे महफिल से निकाल देता। क्या बाबा बे? क्या बाबा? तू बड़ा मिर्जा गालिब का भतीजा, तेरे को बड़ा समझ में आ रहा है। शेर तेरे को मैं सुनाता हूँ, कापी निकालू मैं अपनी। अर्ज किया है कि 2 किलो भिंडी, 2 किलो मना काली मिर्च हो। एक्चुअली मेरी 100 तरह के अचार कैसे बनाए उसकी किताब भी मार्केट में आ चुकी है। ये मैं अलग किताब ले आया, दूसरे निकालता हूँ। अर्ज किया है कि करना है तो खुल के कर प्यार। वाह क्या बात है, बहुत खूब। इधर अगर इधर ही मजा आ गया तो अगली लाइन नहीं बोलता हूँ। करना ही है तो खुल के कर प्यार, 2 बच्चों की माँ प्रेमी संग फरारे। दैनिक भास्कर वाले किधर भी पेपर डाल जाते हैं। देखो मेरी बात सुन ले बुड्ढे, शेर चाहे कोई भी सुनाए, हसब ताल बनेगा तो दांतों का। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि अस्पताल बनेगा तो आँखों का। क्यों बनेगा आँखों का? अरे तुम्हें आँखों की अहमियत नहीं है बरखुरदार। अच्छा तुम्हें बड़ी है, तुम बताओ कैसे आँखों की अहमियत। तो हम तुम्हें बताते आँखों की अहमियत, कुछ पंखुड़ियाँ लिखी है, अर्ज किया है। सोमिया तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, इसे कबूल करो कि इतना जहर भरा है। ये वाली साइड से तो मेरी तरफ देख रहा है तू। डोंट डिस्टर्ब। इतना जहर भरा है इस नागिन में। वाह वाह वाह। हर लौंडे को डसती है, पंच मारू तो मुंह फेर ले, आंख मारू तो हंसती है। देखा आँखों की अहमियत समझे? पंच मारे तो हंस देती है, मुंह उड़ा तो डस लेती है। वो देख तेरी अम्मा भूखी बैठी हो तो 7 नंबर दे के निकल जाए, बर्गर खिला तो तब जाके 10 देती है। अब पता चला दांतों की अहमियत। अस्पताल बनेगा तो दांतों का, अस्पताल बनेगा तो आँखों का, दांतों का, आँखों का, आँखों का नहीं बनेगा दांतों का बनेगा। देखिए देखिए देखिए, आप लड़ाई करना बंद कीजिए। कि मैं मानती हूँ दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया। ओके। हॉस्पिटल खुलेगा तो पागलों का ही, क्योंकि सुरेंद्र अपना मान गया। थैंक यू थैंक यू। अब आ रहा है एक हिस्टोरिकल एक्ट, हमारे फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड यानी टीवी और उसकी जिंदगी का सफर। प्लीज वेलकम स्वप्निल एज टीवी, वीआईपी एंड सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर्स। ओहो अमोल जी, राम राम, काय म्हणताय? दिव्या जी नमस्कार, नमस्कार। दलेर बाजी पहचाना जी? है ना अमोल गुप्ते। जोरदार तालियां बजे। अर्चना जी आपने तो पहचान ही लिया होगा मुझे,
भाई क्यों नहीं पहचानेंगे, आपका तो घर चलता है मेरी वजह से। नहीं नहीं मैं केबल वाला नहीं हूँ, मैं टीवी हूँ टीवी। 4 साल से मुझ पे आने के चक्कर में ये अपने फेफड़े 4 बार बदलवा चुकी है हंसते हंसते। ये टीवी की महिमा ही ऐसी, लेकिन अमोल जी आज तुम इकड़े आलात, तो मैं आपको जरा मेरी कहानी बताना चाहता हूँ, तो आइए। कल्लू के बापू सुनते हो? कल्लू के बापू सुनते हैं ना? अरे हमको तो शक होता है कल्लू के बापू है भी या नहीं। क्या कहा? कल्लू के बापू हम नहीं तो फिर कौन है? कमी हो, वरना और किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो इतना काला बच्चा पैदा करे। हम ये कहते रहे कि हम तो तुमको इसलिए बुलाए रहे कि बताए के लिए सरपंच जी के घर एक बक्सा आया है। अच्छा? और सब गांव वाला नू का टीवी टीवी कहते रहे। टीवी? हाँ। ये देखो ये जो टीवी है, ये टीवी में फोटो और जबान साथ में आती है, बिजली पे चलता है, बिजली पे। सरपंच हमारी एक बात सुनो, गांव में तो बिजली है ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, बताइए भैया जो आदमी खुद ट्रांसपोंडर लेके घूम रहा हो, वो कह रहा है गांव में बिजली नहीं। भैया अगर ये अपने पे आ जाए ना तो 4 गांव में बिजली पहुंचा दे खुदा कसम। छोड़िए ना। अच्छा टीवी देखते हैं, आ जाओ टीवी देखते हैं। बहुत हो गया, चल बस लेके जा। नहीं भैया उधर नहीं, इधर जाना। अर्चना जी इनको क्या बताऊं, कुछ सालों के बाद टीवी का दौर ये चलने वाला है कि न जाने कितनी बीवियां टीवी के लिए अपने पति को छोड़ने वाली है। बोलो तालियां। लेकिन फिलहाल तो मेरा ये हाल है दलेर पाजी की, दिन ब दिन मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोग धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में मुझे दूरदर्शन के नाम से जानने लगे। मैंने लोगों को वागले की दुनिया दिखाई, मैंने करमचंद से डिटेक्टिव गिरी कराई, मैंने लोगों को दिखाया रामायण और महाभारत। क्या कर रहा है यार, मुश्किल से याद हुआ है। हम लोग के दिन मुझे याद है। अर्चना जी आपने हम लोग के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ मुझे गारंटी है 55 साल की उम्र से बड़े जो लोग हैं सबने हम लोग के बारे में सुना है। धीरे धीरे इस छोटे से टीवी पर बड़े पर्दे की फिल्में आने लगी भैया। राज तुम कहाँ हो? राज जल्दी आओ ना। राज सिमरन ओए सिमरन तू अभी भी यहाँ क्या कर रही है? और तू तू यहाँ से जाता है या क्या? ओए मैं उस तरह का बाऊजी नहीं हूँ। ओ सिमरन बता दे से ये जाता है या ओके ओके ओ क्या ये कैसे शाहरुख खान है? राज इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। मैं जा रही हूं। ओए पुत्र एक गल तो दस। मैंने एक बार मना कर दिया, तू पहली बार में ही मान गया। ओए यार मैं शाहरुख खान हूँ, आमिर खान थोड़ी हूँ जो नहीं मानूंगा। क्यों अमोल जी? बाय। और फिर टीआरपी की कुछ ऐसी दौड़ शुरू हुई कि ये टीवी कुछ इस तरह खो गया जैसे स्विस बैंक में हिंदुस्तानी पैसा। चैन से सोना है तो सो जाओ, क्योंकि एक मिला है सूटकेस जिसमें फिर से मिले क्लास। सूत्रों ने कहा कि उस सूटकेस का नाम था वीआईपी। क्या मेरा नाम था? ये तो न्यूज कुछ भी नहीं है, हम आपको दिखाएंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ हमारे चैनल पर मेकर ने राखी सावंत को कर लिया है किस, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हुआ है किस। देखिए ये क्लिप ताजा ताजा हमारे चैनल पर। जी हाँ बिल्कुल हमारे चैनल पर, जिस तरह से मेकर की बर्थडे पार्टी थी और पार्टी में राखी सावंत मौजूद थी। ये है राखी सावंत। हेलो हेलो हेलो, कॉल द मीडिया, कॉल द मीडिया, आपने मीडिया की बेटी है। ये है मेकर। हां बाजी सत श्री अकाल। हम
आपको दिखाएंगे। ये किस फैमिली के साथ देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, देखिए किस तरह से किस किया है, किस तरह से किसको किससे किससे बनाकर आपके सामने पेश कर। किस हो गया? और अब यही किस हम आपको स्लो मोशन में दिखाएंगे, ताकि आप घर बैठे बैठे इसे एंजॉय कर सके। स्लो मोशन प्लीज। मीका राखी की ओर बढ़ता हुआ और डांस के नशे में चूर, राखी अपनी कमर हिलाती मटकाती मीका को अपनी ओर खींचती और मीका राखी को पकड़ कर, और ये मुंबई तक लेकर आएगा। क्या ये बात सच है? बरोबर है, फक्त मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मेरी शर्त यह है कि मैं मुंबई तक कुतुब मीनार लेके जाऊंगा, लेकिन पहले साला दिल्ली में से कोई मेरा सर पे उठा के रखे तो उसको। लॉजन का फोन खुद मेरे पास आया था कि उसने कहा कि मैं मर चुका हूँ। लॉजन, लेकिन ये खबर हमने दी थी आपको हमारे चैनल पर, सबसे पहले खास पेशकश थी हमारे चैनल पर। अबे हमारे चैनल पर, सिर्फ हमारे चैनल पर, सिर्फ हमारे चैनल पर, सिर्फ हमारे चैनल पर। आपने देखा, हम लोग कहने वाला टीवी धीरे धीरे हमारे हमारे पे आ गया। सच बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान में 205 चैनल का मालिक है ये टीवी, लेकिन अफसोस की बात यह है अर्चना जी की, इन 205 चैनल्स में हिंदुस्तान कहीं भी नहीं है। इन सारे टीआरपी की भाग दौड़ में, चकाचौन में बस एक ही चैनल है जो हमें खुशी देता है, जो हमारे चेहरे पे मुस्कान लाता है, जो हमें मन की शांति देता है, और वो है अपना फैशन टीवी। सॉरी ये कट इट, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया। वो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। शटर डाउन। अर्चना जी, कुछ नॉस्टैल्जिक सा हो गया माहौल। वेरी 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 नाइस एक्ट, बहुत अनोखा। इट वाज वेरी वेल रिटन एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरली वेल प्रेजेंटेड। It really gave you an insight into what television is and made you think, you know, ki what has it come to. Very well done. Thank you. Daler paaji, kya baat hai, kya baat. Thank you, thank you. Taansen ka diya bhi jala aur standing ovation bhi mila aapko. Divya, aapko laga kamaal. Ek bahut hi intelligent act, bahut hi sensible act. Ek saath message dena aur hasana was brilliant. Thank you, thank you. Amol ji, aapko kaisa laga? This is like jaane bhi do try ho. आजकल की टीवी सीरियल्स देखकर ये हाउसवाइफ हो गई है बिल्कुल पागल। ना दवा काम कर रही है ना दुआ, अब बेचारा पति क्या करे। आइए देखें, प्लीज वेलकम जिमी एज द वाइफ, सुमित एज द हस्बैंड एंड भूमि एज द डॉक्टर। अर्चना दादी सा, दादी सा, सॉरी आप तो दादा सा है। दिलेर पाजी, मेरे लेग्स कैसे लग रहे हैं बिना वैक्स? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ये लेग्स बड़े काम के हैं, ये दिखा के जब मैं लिफ्ट मांगती हूँ ना तो बंदा गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। ओफो, मैं भी कहाँ अपने तारीफ में लग गई, मैं देखती हूँ मेरी प्यारी सी टीम में क्या आ रहा है। सास बिना ससुराल, सोमवार से गुरुवार, शुक्रवार से रविवार आ जाती है क्या सास? कातिल इसी दीवार के पीछे है, दया दरवाजा तोड़ दो। ये दया सीआईडी है या कारपेंटर, दरवाजा ही तोड़ता रहता है। पम्मी पम्मी
my lovely wife for me. लगता है फिर दोनों पड़ गया। मैं वीरानी परिवार को बर्बाद कर दूँ। मैं अग्रवाल परिवार को नाश कर दूंगी। मैं कल्याणी देवी के परिवार को खत्म कर दूंगी। तारक मेहता के उल्टे चश्मे आ गया तू? कहाँ था? किसके साथ था? बता मुझे। मम्मी मैं तो अपनी माँ के साथ था। तेरे घर पे जब शादी करके आई तो तब से मैं परेशान हूँ। मैं तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? गृह प्रवेश का दिन याद है तुझे? फ्लैश बैक। बहू बदतमीज। दिन दाना 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 दिन दाना। बहू वेलकम टू माय फैमिली। धन्यवाद माँ जी। ये ले घर की तेरी मौत, ये ले चाबियां। क्यों मारा माँ को? क्यों मारा? एक भी चाबी तिजोरी में लग नहीं रही है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बाय। माँ, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, माँ, माँ। अरे बेटे तूने ही तो मेरी टिकट बुक करवाई थी। मेरी मन्नत थी कि तेरी शादी के बाद मैं आखिरी बार हनीमून हो आऊं। सुनते हो पप्पू की? पापा तुम्हारा नाम पप्पू है? नहीं, हमारे पड़ोसी का है। हसन जी देख लिया इसका गृह प्रवेश कैसा था? अब आप सोचिए हमारी सुहागरात कैसी होगी। पम्मी तू रो क्यों रही है? पम्मी पम्मी रो मत, तू रो मत। पम्मी छोड़ ना इसको, हम लोग सुहागरात मनाते हैं। खबरदार मुझे टच किया तो। छूने से पहले तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। इसको किस करो? किस? अर्चना माता की जय। बज गया, बज गया। अब मेरी बारी। पम्मी मम्मी। देखा अर्चना जी, इसने तो मुझे सुहागरात के दिन ही सुला दी। अब तो इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी से आइए, मेरी बीवी बहुत बीमार है। किधर है मरीज? किधर है मरीज? मरीज किधर है? अरे डॉक्टर किधर है? मैं डॉक्टर संजीवनी। देखो मैं अपने सीरियल के ब्रेक में आई हूँ। कौन है मरीज जल्दी बताओ। डॉक्टर साहब मेरी बीवी, इसको ना सीरियल के दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर साहब मुझे डर है कहीं ये प्रेरणा से अम्मा जी ना बन जाए। ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा एक ही बार मर जाऊं मैं। कोई नहीं मरेगा, जब तक संजीवनी है किसी को कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी ये पकड़ो वापस से, मैं तुम्हारे लिए ऐसा इंजेक्शन लाई हूँ कि तुम 270 साल जियोगे। 270 साल? हाँ, ये BAA का टीका है। BAA BAA? हाँ, बा का टीका। ए संस्कार लक्ष्मी, तेरे को संस्कार है कि नहीं? टीका कहाँ लगता है? इधर। इधर? अच्छा इधर लगा। लगाती हूँ अभी। पम्मी। मैं वीरानी परिवार को बर्बाद कर दूंगा। गोपाल परिवार को तहस नहस कर दूंगी। मैं वासु परिवार को सड़क पे ले आऊंगा। मैं कल्याणी देवी के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। आनंदी जगिया। ए भगवान, पहली बार गलती से कोई सही डिसीजन लिया है मैंने। सही काम किया है। कौन कहता है कि टीवी घरों को बर्बाद करता है? ये देखो इसी घर ने तो आबाद किया है। थैंक यू।
क्या बात है दिलेर पाजी, आपको लगता है इस पागलपन का कोई इलाज है? सुमित साहब, आप बहुत बहुत कमाल अदाकार हैं। जिम्मी जी, आपको नजर न लगे इतनी खूबसूरत महिला। भूमि जी, आप सास बनी, वो भी बहुत बहुत काफी पावरफुल सास के अंदर। थैंक यू। कैसा लगा अर्चना जी आपको? बहुत अच्छे एलिमेंट्स थे एक्ट में। इतना सारा सामान था इसमें कि थोड़ा गौर करना पड़ रहा था। एंड जिमी, अमेजिंगली यू लुकिंग लाइक अ वेरी सेक्सी बेब, यू नो दैट। आई एंजॉयड द एक्ट, वेरी नाइस। दिव्या, आपको कैसा लगा? पहले मैं वो टांग देखूंगी दोबारा। ओह गॉड, मेरी गाड़ी आपकी। अर्चना जी, कितने नंबर देंगे आप? तानसेन जी, लाइए मार्क्स। एक पॉइंट। दलेर पाजी, आप कितने नंबर देंगे? तानसेन जी, एक पॉइंट। बहुत खूब एंड थैंक यू वेरी मच। आजकल टीवी हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसके बिना दो पल भी काटना मुश्किल हो जाता है। आइए देखें, प्लीज वेलकम आभास एज द व्यूअर एंड जसवंत एंड अंजुम एज वेरियस कैरेक्टर्स। दलेर पाजी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आपका नाम दलेर क्यों है? सही मायनों में ये नाम होना चाहिए आतिफ असलम का। सुरताल का ठिकाना नहीं है, लेकिन भाई क्या गाता है, इसे कहते हैं असली दलेर। इसे ढीठ कहते हैं। लेकिन दिलीप जी, आज मैं मेरे घर में अकेला हूँ, बहुत बोर हो रहा हूँ। अकेले का नाम सुन के ना इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। चलो यार, किसी आइटम को फोन लगाया जाए। आइटम। हेलो अर्चना, कोई मस्त वाली है क्या तुम्हारे पास? डीवीडी? अच्छा, क्या बात कर रही हो? नहीं 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 नहीं, वो मैं नहीं देख पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नरेन चंचल की डीवीडी दे रही थी यार। किस्मत देखो मेरी यार, आज तो केबल वालों की भी हड़ताल है। क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लगता आज घूर दर्शन ही देखना पड़ेगा मेरे को। अपना मूड बनाने के लिए हे भगवान, घूर दर्शन में कुछ ऐसी चीज दिखा दे कि मेरा मूड बन जाए। नमस्कार, किसान भाइयों के पसंदीदा प्रोग्राम कृषि दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। अबे, मैं यहाँ पे किसी दर्शन के लिए बैठा हूँ, तुम कृषि दर्शन दिखा रहे हो? तो ताऊ जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि खेतों में मूली कैसे उगती है? का करियो छोरी, मूली खेतों में उगती है? अरे हम तो मार्केट से खरीद लाते हैं जितनी चाहिए होती है। अरे मूली को छोड़, जूली को पकड़, जूली को। बकवास बंद करें और कृपया करके खेतों से संबंधित सवाल ही करें। यार ये खेतों से संबंधित सवाल ही था। आप मुझे बताओ, जितनी ज्यादा सुहाग रातें खेतों में मनाई जाती, वहां कहीं मनाई जाती है क्या? क्या बात है, लौंडे ने जवानी याद करा दी भाई। मन्ने तो खेत याद आ गए भाई अपने। आई मिस आई लव माई खेत। लाइक पैक पकड़ा। चलो भाई लोग, कृषि दर्शन खत्म हो गए, इसके दर्शन करें। ताऊ आओ। अरे यार, ये ताऊ भी चला गया करने के लिए। आओ, मैं किसको फोन लगाऊं? हेलो सौम्या, क्या कर रही हो आज? अच्छा फ्री हो यार, कुछ नई बात बताओ यार। वैसे तो आज मैं भी फ्री हूँ, अकेला हूँ, मूड बनाने आ जाओ, कॉमेडी करेंगे। आ रही हो? यस। वो आने को तैयार हो गई है, लेकिन उससे पहले मुझे मूड बनाना पड़ेगा। भगवान, इस बार घूर दर्शन पे कुछ अच्छा आ जाए। सत्यकाल पाजी, आप यहाँ इस चैनल पे? क्यों, गलत आ गया? उल्लू का बेटा सही तो है। ओ, ये कोई मामूली चैनल नहीं है, इसने मुझे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। कोने कोने में दुनिया तो गोल होती है। हाँ, मैं तो अमेरिका शो के लिए गया था, पीछे से गोल होगी होगी। राजी, ये बहुत खतरनाक चैनल है, लोगों को कोने में लगा देता है। ओए बकवास बंद कर, तुझे पता है ये कितना महान चैनल है? इसने दुनिया के कोने कोने से कलाकार निकाल कर कोने कोने में पहुंचा दिए। कैसे अर्चना जी, कैसा लगा? आई थिंक द एक्ट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उतनी दूर तक नहीं गया जहाँ तक जा सकता था। थैंक यू। दिलीप जी, आपको कैसा लगा? वाकई लग रहा था कि दूरदर्शन देख रहा हूँ, और अच्छा और कमाल हो सकता था। अर्चना जी, क्या है इनके स्कोर्स आज? तानसेन जी लाएंगे स्कोर्स। एक पॉइंट। दलेर पाजी, तानसेन जी आ जाइए। सेवन पॉइंट।
अभी वक्त है थोड़ी देर इस हंसी के सिलसिले को रोकने का, क्योंकि अब मामला थोड़ा टेंशन वाला है। पिछले 6 हफ्तों से डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन में हमारी 8 तिकड़ियां दिखा रही हैं अपना जलवा, और उन्हें मिलते रहे हैं हमारे जजेस और ऑडियंसेस से नंबर्स। बॉटम 3 में हैं 3 टीम्स, जिनमें से 2 टीम्स को आज हम कहेंगे गुड बाय। तो सबसे कम नंबर पाने वाली 3 टीम्स हैं जिमी, सुमित, भूमि। दूसरी टीम जो बॉटम 3 में है वो है जसवंत, आभास और अंजुम। हमारी तीसरी टीम जिसे सबसे कम नंबर मिले हैं वो है राजा हसन, राजा साकू और प्रीति। तीसरी टीम में सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि राजा और प्रीति, आपके साथ आपके तीसरे पार्टनर राजा साकू नहीं है? वेल, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और अभी फोन किया था उसने, मुझे जाना जरूरी है, उसकी बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब थी। हमने कहा देखा जाएगा, इंशाल्लाह जो होगा अच्छा ही होगा। चलिए, आई होप आप जो भी फैसला हो उसे अच्छे से फेस कर पाएं। इन तीनों टीम्स में से एक टीम है आज सेफ और 2 टीम्स हैं डेंजर जोन में। जो टीम सबसे पहले लेगी हमसे विदा वो है आभास, जसवंत और अंजू। अब बची हैं 2 टीम्स और इन 2 टीम्स में से आज एक सेफ है और एक टीम इस मंच को छोड़कर आ चली जाएगी। तो वो टीम जो आज हमें कहेगी गुड बाय वो है राजा हसन, राजा सगू और प्रीति। और जो सेफ टीम यहाँ मंच पर है, आपको बधाई, आप अभी तक हमारे शो में बने हैं और बने रहें इंशाल्लाह, आप अपनी जगह बैठ सकते हैं। राजा, आप कुछ आप सबसे कहना चाहेंगे? हमारा काम थोड़ा सा, दलेर पाजी आपको मालूम है, बहुत अलग है और यहाँ पे ये इतना डिफरेंट करना अपने आप में एक बहुत हमारे लिए यूनिक चीज़ थी। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। Yes. क्या बात है, बंद करना बोलते हैं तो रात हो गई है साला। मीनो, मीनो आ गया तेरा कमीना। मीना, 4 मुर्गे चुराए हमने तेरे प्यार में, 2 कट गए आरजू में, 2 कट गए इंतजार में, अब तो आ जा मेरी मीना वरना तंदूरी खाऊंगा तेरे बिना। अरे कृपा है भगवान की और लीला है परमेश्वर की। ओ मुंशी जी, ये क्या लगा रखा है आपने? साला मीना मिलने हमसे आ रही है और ये फुसफुसा के सेंट आप मार रहे हैं। बेटा गलती होगी, ये लो तुम मार दो। मुंशी जी सुनिए, ये बात बताइए, ये साला चक्कर क्या है? आई बेटा देखो, मेरे से भी बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि जब बेटा जवान हो जाए तो उसको घर से निकाल दो, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, तुम दबा हो जाओ। क्या बकवास कर रहे हो मुंशी जी? अरे आपकी इस बकवास पे एक पंजाबी शेर अर्ज है। हाँ बको बेटा। हरी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा काका, हरी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा काका, मुंशी तेरी माँ का साकी नाका, तेरी माँ का साकी नाका। बेटे तुम गलत कर रहे हो, बड़े बुजुर्गों को गाली नहीं निकालते, हाँ मारते हैं बेटा। इसी शेर पे मुझे भी एक शेर याद आ गया, बोलिए। बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा आलू, बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदा आलू, माँ तेरी जैसी भी हो बहन तेरी बड़ी अच्छी है बेटे शरीफ है। ए विक्की बाबू ये बताओ कि ये कौन है? ये भारी भरकम हमारी मीना है, मीना। अरे मीना नहीं, मुझे तो पूरा साल लग रहा है। अरे दुनिया से सब चले जाएंगे, नाना हो या नानी। अरे दुनिया से सब चले जाएंगे, नाना हो या नानी, मेरे पास रह जाएगी शीला की जवानी। तू सेक्सी, मैं तेरी ग्रिप में ना आनी। अच्छी है कि तेरी क्या लगा रखा है तूने? एक बात बता,
वो 9 लाख हार हमने मंगवाया था, वो कहाँ है? बेटा वो मजबूरी में बेच दिया, कल 8 लाख रुपए का तेरी शराब का मैंने कर्जा उतार दिया। ओ क्या मुंशी जी, आपने मेरा 9 लाख बेच दिया, कितने करेक्टर लेस है आप, करेक्टर लेस। वाह मुंशी जी वाह, कितने अच्छे शेर सुनाते हैं आप, प्लीज मेरी शान में एक दो शेर और कहिए ना। ए बोतल तू ले जा, इसको जोड़ जा मेरे लिए। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? कि तुमने क्या लगा रखा है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था कि जो मुझे अपनी शेर व शायरी से इम्प्रेस करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तो मैंने तुम्हारे लिए एक शेर लिखा है, सुनाइए। अर्ज किया है कि तेरे बिना हम ना जी पाएंगे, तेरे बिना हम ना जी पाएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन। मेरा चुराया शेर, अरे मेरे से शादी कर ले, मैं इससे 40 साल बड़ा हूँ। कमोल और दिव्या, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और हमें पूरा यकीन है कि आपकी जो ये फिल्म है ये बहुत बहुत लोग पसंद करेंगे और सुपर डुपर हिट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।